उसे शौक के जन्नत न परवाए दोज़ख, अजब हाल है तेरे आशिक का, तो फिर ऐसी आलूदाय फरियाद न हो, हम भी गुस्से के यही। खुदा खैरियत है ना? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही बस। फिर कब जाने का प्रोग्राम है उनकी तरफ? बस जाना है, मैं आपको बता दूंगा। अंकल, मैं कुछ वांटेड टू आस्क यू समथिंग। मैं पूछना चाहता था कि कुछ नहीं। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या पूछना है? नहीं, वो एक्चुअली मैं बस ये पूछना चाहता था कि आपने कहा था कि सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी से आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, क्या यादें हैं वो? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अलाय के पेरेंट्स भी उसी यूनिवर्सिटी में थे। तो पता है तुमको कि तुम्हारे बाबा, मैं और हुमायूं बेस्ट फ्रेंड्स, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यहीं से ग्रेजुएशन, और बाद में भी यही हैंग आउट करते थे। जब तुम्हारे बाबा से मेरी शादी हुई तो तुम्हारे बाबा बीमार हुए, हमने हुमायूं को बुलाया, उसने कहा कि वो कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जा रहा है और आ जाएगा, अगर वो नहीं आया मैं अकेली इस शहर में फिरती रही, किसी को नहीं जानती थी, मेरा कोई नहीं था ना तुम्हारे बाबा का। तुम्हारे बाबा चले गए और उनके आखिरी अल्फाज थे, काश हुमायूं यहाँ होता, काश हुमायूं यहाँ होता। मतलब ये है कि तुम मुझसे सफाइयाँ मांग रहे हो? अच्छी नहीं अंकल, मैं कौन होता हूँ आपसे कोई भी सफाई मांगने वाला, मैं तो बस ऐसे ही। बोल कहानी अपनी जुबानी। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ट्रस्ट करके ये बात बताई है, तो अंकल से इस बारे में कोई बात ना करना, इट इज नॉट फॉर नाउ। आई प्रॉमिस यू नहीं करूंगा, मैं स्टूपिड नहीं हूं, आई वांट टू टॉक टू हिम, आई प्रॉमिस। तुम्हें पता है मामा ने तो मुझे बहुत मना किया था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात ना करूं, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने मुझे वास्ते दे दिए थे कि मैं तुमसे ना मिलूं और हमारा फ्यूचर भी ना सोचूं। व्हाट, इतना आसान है उनके लिए सब कुछ कह देना? एनीवे, देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी मामा को हम मना लेंगे। जहाँ तक बात है अंकल की, तुम्हारी मामा की जिंदगी से उनका ही गायब हो जाना शोर उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होगा, कोई रीजन तो होगा जो हम नहीं जानते। तो एक और बात, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा ही गहरी यादें जुड़ी हैं, जब भी उस यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है डिफीज हो जाता है। अनशोर तस्वीर का कोई दूसरा रुख है जो हमें नहीं पता। नहीं रोहान, अगर बात मामा की है तो मेरे लिए तस्वीर का एक रुख ही है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम अंकल से बहुत प्यार करते हो, पर मान मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। फिलहाल ज़रूरी ये है कि तुम्हारे अंकल मेरे मामा और बाबा की मुजरिम, और मैं नहीं चाहती रोहान कि इसकी सज़ा हम ही मिले। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उर्दू कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी? बहुत ही स्ट्रिक्ट कोशिश थी ये टॉपिक चेंज करने की। आई स्वेयर ऐसा नहीं है, सही बोल रहा हूँ। मीन लुक एट यू, कितनी सीरियस उर्दू बोल रही, मुजरिम। हाँ, मैंने करो तो लेन हैदर और इस पर चपटाई के अफसाने पढ़ना शुरू कर दिए। किसकी ताई के अफसाने? इस पर चपटाई
बहुत बड़ी फेमस उर्दू की राइटर थी। ओह वो क्या तो उनकी राइटिंग्स में से जो हमारी सिचुएशन है इसको लेके कोई रहनुमाई हुई? उनके अफसानों में मर्दों से बहुत खबरदार रहने को कहा थी। खबरदार? यस। तो तुम रहोगी खबरदार? अजीब सी सिचुएशन है, आई जस्ट डोंट नो। अच्छा चलो खबरदार छोड़ो, ऑर्डर करें बर्फदार। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।